तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस यदि आप भी अपने गूगल पे के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो गाइस आप अपने ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो गाइस जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके और को सेट कर देना जिससे कि गाइस नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल रही। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस आपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा सेल्फ ट्रांसफर का। तो यहाँ पर गाइस आपको सेल्फ ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस आपके जो सभी जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस कौन से बैंक अकाउंट से कौन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है उन्हें गाइस आपको यहाँ पर चूज कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस देखिए ऊपर की साइड आपको यहाँ पर फॉर्म वाला ऑप्शन शो करेगा। तो फॉर्म वाले में गाइस आपको जिस भी बैंक अकाउंट से आप पैसे भेजना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले बैंक अकाउंट को यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर गाइस आपको सेकंड वाले में गाइस आपको यहाँ पर देखिए ट्रांसफर टू बैंक का यहाँ पर ऑप्शन शो करेगा। तो इसमें गाइस आपको उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें कि गाइस आप पैसे रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं स्टेट बैंक में अपने पैसे रिसीव करना चाहता हूँ तो स्टेट बैंक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो अमाउंट है उसे आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैं टेम्परेरी कोई भी यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक ट्रांसफर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर ट्रांसफर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 4 डिजिट का UPI पिन पूछेगा। तो यहाँ पर जैसे कि अपना 4 डिजिट का UPI पिन एंटर करेंगे फिर कैसे आप यहाँ पर जैसे ही राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कैसे आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से कैसे यदि कैसे आप भी अपने गूगल पे के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यदि कैसे आप भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे कुछ इस टाइप से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ कैसे आपको वीडियो चलो और वीडियो चलो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइज ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।